बात किसी से नहीं कहता। आज भगवान को बात याद आई, भगवान ने सोचा कि डायरेक्ट चला जाऊंगा तो लोग पूछेंगे क्यों गए, तो ये कहीं ये जूती वाली कथा संसार को ना पता चले, इसलिए युधिष्ठिर जी को माध्यम बनाया। युधिष्ठिर जी को मोह हो गया, राज सिंहासन में बैठते ही युधिष्ठिर को मोह हुआ कि अरे यदि मैं अपने भाइयों को लेकर के कहीं अन्यत्र चला जाता तो इतना बड़ा खून खराबा नहीं होता, ये पूरे खून खराबा का कारण मैं हूं। भगवान समझा रहे हैं पर युधिष्ठिर जी के बात समझ में नहीं आ रही। देखो इतनी विलक्षण स्थिति है, 18 अध्याय गीता का उपदेश दे करके युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को समझा लिया, अर्जुन कह पड़ा नष्टो मोहो अस्मतिर्लब्ध्वा तौ प्रसादात्मयच्युत स्थितो गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अब मैं स्थित हो गया, आप जो कहो वो करूंगा, इसी के लिए गीता का उपदेश था। अर्जुन को समझा दिया पर सिंहासन में बैठे हुए युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं पर उनके समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर को समझाना नहीं चाहते, केवल रोल कर रहे हैं। बड़ी विलक्षण स्थिति है, वही श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय जो अर्जुन को सुना रहे थे भगवान, वही संजय के द्वारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। ये आज की देर नहीं है, संजय के द्वारा आंखों देखा हाल कुरुक्षेत्र से धृतराष्ट्र बैठे बैठे हस्तिनापुर में आंखों देखा हाल देख रहे थे, पूरी गीता सुन रहे थे। अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और धृतराष्ट्र का मोह बढ़ गया। ये भगवान की लीला है, इसको समझना बहुत कठिन है। भगवान जिसको समझाना चाहते हैं वही समझ सकता है, जिसको समझाना नहीं चाहते उसको कितना भी उपदेश करें वो नहीं समझ सकता। तब भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा कि अभी तो आपके परिवार के मुखिया भी हैं, आपके मोह की निवृत्ति उनके द्वारा होगी, चलो चलते हैं। युधिष्ठिर को माध्यम बना के भगवान वहां गए और भीष्म पितामह के द्वारा वर्ण धर्म राज धर्म स्त्री धर्म धर्म की अद्भुत व्याख्या हुई। उसी क्रम में द्रौपदी ने कहा पितामह उस दिन आपका धर्म कहां था, जब एक अबला की इज्जत जा रही थी और आप बैठे हुए थे, उस समय आपका धर्म कहां था? भीष्म पितामह रो पड़े, बोले उस समय मैं धर्म की व्याख्या नहीं कर सकता था, नहीं समझ सकता था, पर आज अर्जुन के बाणों ने वो दुर्योधन के अन्न से जो खराब खून था उसको सोख लिया है, आज मैं विरक्त हो गया, इसलिए आज मैं धर्म की व्याख्या कर रहा हूं। कहने का भाव यह है कि धर्म की बात कोई विरक्त कर सकता है, नीति की बात सत्संग की बात कोई विरक्त ही कर सकता। दूसरा पात्र है जिसने नीति की बात कही, कौन? शूर्पणखा। जब लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान समाप्त किए तो महाराज रावण वाला जब खराब खून निकल गया और वो शूर्पणखा जब रावण के दरबार में पहुंचती है, बड़ी अद्भुत बात कही, राजनीत बिना धन बिनु Hey, hey.
खून निकल गया, सूपनखा विरक्त हो गई, उसने नीति की बात कही, सत्संग की बात। लंकनी, जो लंकनी हनुमान जी को कह रही थी मोर आहार जहां लग चोरा, हनुमान जी ने कहा तू झूठ बोलती है, अरे सारे दुनिया की चोरी करने वाला रावण उसकी रखवाली करती है तू, और मुझे कहती है मोर आहार जहां लग चोरा। और मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धननी धन मनी, जैसे हनुमान जी ने एक मुष्टिका दी और रावण वाला खराब खून उसका निकल गया, जैसे वो लंकनी विरक्त हुई और विरक्त होते ही लंकनी ने सत्संग की बात कही। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, अरे तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इससे ये सिद्ध हो गया कि विरक्त ही सत्संग की व्याख्या कर सकता है, विरक्त ही नीति की बात कर सकता है, और विरक्त ही धर्म की व्याख्या कर सकता है। बड़ी अद्भुत व्याख्या धर्म की। उसी समय भगवान को स्मरण किया, भगवान ने दर्शन दिया, विषम पितामह ने भगवान के चरणों में बड़ी अद्भुत स्तुति की और अपनी बुद्धि को भगवान के साथ में विवाह करके और ईश्वर के साथ में शाश्वत संबंध स्थापित करके भगवत धाम की यात्रा संपन्न की। इधर महाराज भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान किए, द्वारिका वासियों को जब पता चला भगवान आ रहे हैं तो आज भगवान की खुशी में द्वारिका में यदि चींटी भी चलती है तो चींटी के चलने में सुस्वागतम लिख जा रहा है। भगवान पहुंचे और सबसे मिले। भगवान की विशेषता यही है कि सबसे मिलते हैं, सबको ऐसा लगता है कि मेरे से ही मिले पहले, इसलिए सब भगवान से खुश रहते हैं। संसारी से लोग खुश इसलिए नहीं रहते कि संसारी मिलेगा तो एक से मिलेगा, दूसरा पीछे जो खड़ा है उसको लगेगा कि भाई पहले इनसे मिले, इसका मतलब इनको ज्यादा चाहते हैं, हमको कम चाहते हैं। पर भगवान की विशेषता यह है, अमित रूप प्रगटे ते ही काला जथा जोग मिले सब ही कृपा। इधर महाराज परिचित जी का जन्म क्रम हुआ, धृतराष्ट्र जी महल में थे युधिष्ठिर जी के, और उसी क्रम में सेवा हो रही थी। उधर भगवान ने अपनी द्वापर की लीला स्मरण की, जब जाने लगे तो अर्जुन से कहा ये 16108 रानी महारानी जो वेद की ऋचाएं थी इनको ले जाओ, इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ। अर्जुन जब लेकर के चले तो स्वयं भगवान कोल भिल्ल बनवासी बन करके लाठी डंडे लेकर के और उन ऋचाओं को स्वयं अपने हाथ में ले गए। गांडीवधारी अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। भगवान ने अर्जुन को संकेत दिया कि अर्जुन ये पावर तेरे गांडीव में नहीं है, पावर मेरा था महाभारत में, अब कहीं इस गांडीव के भरोसे दूसरे महाभारत की तैयारी मत कर लेना। तब से ये कहावत हो गई, पुरुष बलि नहीं होते हैं समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही मां। वहां से चल करके अर्जुन आए महाराज। अर्जुन निस्तेज हो चुका था, कांति चेहरे की जा चुकी थी। जैसे प्रवेश करते हैं अर्जुन को जैसे महाराज धर्मराज ने देखा, अर्जुन को देख करके कहा अरे अर्जुन तेरे हाथ से कोई अपराध हो गया, ब्रह्महत्या हो गई, गोहत्या हो गई, कौन सा पाप हो गया, तेरे चेहरे की कांति चली गई, क्या हो गया, तू बताता क्यों नहीं है। अर्जुन फपक के रो पड़ा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, अरे दादा हम तो लुट गए, जिसको हम अप, अप,
अपना ममेरा भाई समझते थे, वो कोई और नहीं था, वो तो साक्षात नारायण थे और वो धराधाम से चले गए। ये बात कुंती के कान में पड़ते ही कुंती ने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। कृष्ण प्रेम में कुंती ने प्राण त्यागे और राम प्रेम में दशरथ जी ने प्राणों का त्याग। और महाराज कलयुग का आगमन हुआ, उसी समय परीक्षित को राजा बना करके स्वर्गारोहण के लिए पांचों पांडव चले। स्वर्गारोहण हुआ, जब परीक्षित जी राजा बने तो उन्होंने विचार किया कि मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति में चार चांद लगा दूं। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य होता है, पर आज आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, अज्ञानता के कारण केवल पेट और पेटी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता महाराज समाज में। बस पेट भर जाए और पेटी भर जाए, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं जानता। ना तो माता पिता को प्रणाम करना, ना बड़ों का आदर करना, ना बैठना, ना बोलना, ना देखना, ना सुनना, कुछ भी नहीं आता। बड़ी विलक्षण स्थिति हो गई। आज से कितने वर्ष पहले संसार की स्थिति का वर्णन करते हुए कबीर दास जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। डर लागे अरुहासी आवे, अजब जमाना आया रे, उल्टी चाल चली दुनिया की, ताते जी घबरा। उस समय महात्मा का जी घबरा रहा था, इस समय महाराज विचार कर। डर लागे अरुहासी आवे, अजब जमाना आया, उल्टी चाल चली दुनिया की, ताते जी घबराया। मुट्ठी अन्न कोई साधु मांगे, कुंभ है, सेवा चल रही है, मुट्ठी अन्न कोई साधु मांगे, अरे कहे अनाज नहीं आया रे। अब कहां है, महंगाई इतनी है, आप तो सब जानते हो। मुट्ठी अन्न कोई साधु मांगे, कहे अनाज नहीं आया रे, धन दौलत को दाम लगा के वैश्या नाच नचाया। डर लागे अरुहासी आवे, ये गजब जमाना आया। कथा होए तहां श्रोता सोवे, बैठ तो जाते हैं पर किसी किसी के चेहरे में प्रसन्नता नजर आती है। कथा होए तहां श्रोता सोवे, बकता मूड पचाया रे, अरे डर लागे अरुहासी आवे, ये अजब जमाना आया रे, अरे उल्टी चाल चली दुनिया की, आते जी घबराया। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है, पूनाम नरकम त्रायते इति पुत्रः, अपने पूर्वजों का उद्धार करा दे, अपने चरित्र के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने सत्कर्म के द्वारा। परीक्षित जी जब राजा बने, उन्होंने अपने पूर्वजों की कीर्ति में चार चांद लगाने के लिए और उन्होंने दिग्विजय किया। दिग्विजय करने के लिए निकले, जैसे कुरुजांगल प्रदेश में पहुंचे। कुरुजांगल प्रदेश का अलग अलग अर्थ किया गया, परंतु कुछ विद्वान कहते हैं ये कुरुजांगल जो कुरुक्षेत्र है ना, जो एनसीआर, यही तो पल रहे हैं हमारा। यही पर कलयुग ने धर्म के तीन पैर तोड़ दिए। जितने भी विधर्मी हैं वहीं पैदा हो रहे हैं। आज लोग भूल गए भागवत क्या है और
भगवत गीता क्या है? कई बार लोग कथाओं में कथा भागवत की होती है और श्रोता कहते हैं भगवत हो, भगवत गीता हो रही है, गीता का प्रवचन हो रहा है। पेपर वाले भी लिख देते हैं गीता के प्रवचन के कथा के क्रम में ये कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया की गोदी में ये लीला की गीता के प्रवचन में। उन्हें भी नहीं पता भारतवर्ष में रहकर और जिसे भागवत और भगवत गीता का अंतर समझ में नहीं आता क्या होगा। रामचरितमानस और रामायण जिसको समझ नहीं आती उसका कारण यही है कि जिम पाखंड बाद से लुप्त होई सदग्रंथ। जब पाखंड का बोलबाला होता है तो सदग्रंथ बेचारे छुप जाते हैं। कपोल कल्पित पुस्तकें घर घर फ्री में पहुंचा रहे हैं और कहते हैं ये शॉर्टकट है, सीधे भगवान तक पहुंच जाओगे। अरे विष्णु सहस्त्र नाम शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट यदि पूछना है तो महादेव से पूछ लो, महादेव ने पार्वती को शॉर्टकट बताया है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराने। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गो पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की पूजा से, गाय की सेवा से, गाय की परिक्रमा से पूरे पृथ्वी की सेवा परिक्रमा का लाभ मिलता है। गाय कोई पशु नहीं है, जिसका मल और मूत्र इतना पवित्र है वो गाय पशु कैसे हो सकता।